सबसे बड़ा मेरा फ़ियर अभी भी मैं कहूँगी पब्लिक स्पीकिंग ही है उसके बाद जब मैंने एजुकेशन करने गई बाहर बेल्जियम तो उनका वो भी एजुकेशनल रिसर्च पे था पर मुझे नहीं पता था कि यूरोप रिसर्च पे इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है इतनी डिटेल में उन्होंने रिसर्च की हुई है और उनकी फाइंडिंग क्या होती थी कि जी अच्छा हमारी लाइफ की कोई वैल्यू है कोई कोई को ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है चाहे वो झूठी हो वो आपको तसलियाँ दे देगा कि यार हो जाएगा तुमने कल भी तो दी थी इतनी अच्छी जिस चीज़ की आर्गूमेंट नहीं ना आती कहते हैं यार बस ईमान रखो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दी हैं कुरान में कि अच्छा अगर नहीं यकीन होता तो इसके बारे में सोचो असलम नाजरीन शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्टम के साथ मैं हूँ आपका अली रहमान खालिद नाजरीन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मायरा फारूक मानिका साहिबा ये बुनियादी तौर पे तो एक ट्रेनर हैं लेकिन हम इनसे जानेंगे कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट था उससे ये ट्रेनिंग में कैसे आई इन्होंने लम्ब से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की और मास्टर्स इन्होंने बेल्जियम से किया लेकिन इनके टॉपिक्स जो हैं वो रिसर्च वाले ही थे हम इनसे जानेंगे कि रिसर्च इनको क्यों पसंद है और फिर जो इन्होंने एक बुक लिखी जो कि एक इस्लामिक बुक है वो इन्होंने क्यों लिखी उसके पीछे क्या रीज़न थी ये सब बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे असलमेक माहरा साहबा कैसी हैं आप ठीक हैं वाले वरहमदिल्ला मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ट्रेनिंग की फील्ड में आप कब और कैसे गई और आपको क्यों लगता था कि आप एज अ ट्रेनर बहुत अच्छा काम कर सकती हैं अच्छा पहली बात तो ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता था मैं कोई अच्छा काम कर सकती हूँ एज अ ट्रेनर और ट्रेनिंग में जाना वॉज द लास्ट थिंग कि मैं कभी भी करूँ क्योंकि इवन टिल यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन तक मैंने कभी खुद ऑप्ट नहीं किया लोग कहते हैं डिबेटिंग कर लेते हैं खड़े पब्लिक स्पीकिंग से मैं बिल्कुल अपने आप को सौ फीट दूर दूर रखती थी लेकिन हुआ ये कि जब ग्रेजुएट हो गए तो मेरी एक फ्रेंड ने मैंने कुछ सोशल वर्क किया जिसमें ना हम आ, डिफरेंट स्कूल्स में जाते थे पाकिस्तान के लाहौर के अंदरून शहरों में तो वहाँ जाके काफ़ी मायूसी भी हुई और साथ में शुक्र भी अल्लाह का हुआ कि मतलब एक ही शहर में इतनी इतनी, इतनी आ, अंडर प्रवेड जगह थी जिनका मुझे आइडिया ही नहीं था थोड़ा सा एक्सपोजर उस अब हुआ तो एक फ्रेंड ने सरकासिम का ही हो रहा था ट्रेन द ट्रेनर कोर्स 2017 की बात है ये तो उसने कहा वो वहां चले टेन डेज का था तो वहां पे आके ना उसके एंड पे उन्होंने आपसे फिर वही खड़े होकर ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कराई फिर मैंने की तो थोड़ा सा वहाँ पे ना फीडबैक भी अच्छा उसमें वो कहते थे सब फीडबैक देंगे तो सब ने फीडबैक बड़ा तो अच्छा दिया सब ने मैंने कहा सब लोग बड़े अच्छे हैं वैसे ही फीडबैक अच्छा दे रहे हैं ना मतलब मैं पब्लिक में जो क्योंकि सबसे बड़ा मेरा फियर अभी भी मैं कहूँगी पब्लिक स्पीकिंग ही है तो उसमें सर ने कहा था कि आपने वन थाउजेंड ट्रेनिंग या वन ट्रेनिंग्स ना फ्री करानी है ताकि आपका वो झक्का खुले और वो सब कुछ तो मैंने कहा चलो ये तो करें ना और टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपकी कमांड हो तो मेरी कमांड थी मेमोरी पे और मेमोरी की टेक्निक्स वगैरह मैंने उस दिनों सीखी भी हुई थी तो वो मैंने देना शुरू की शुरू में अकेडमीज़ और ये वो इधर उधर दिया तो अलहमदिल्ला रिजल्ट अच्छा आया बच्चों सब को सबसे पहले मैंने अपने बहन भाइयों को ही दी और कजन्स को तो जब उनका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर किसी अकेडमी में चले गए किसी स्कूल में चले गए एवेंचुअली फिर डॉक्टर्स तक के पास चले गए क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप छोटे से बच्चे को भी समझा सकते हैं और वही चीज़ पकड़ के आप एक बुजुर्ग इंसान को भी समझा सकते हैं उनकी मेमोरी है। में, में, में फ़र्क तो आएगा चाहे मतलब 100 परसेंट भी प्रूफ नहीं होगी 50 परसेंट तो होएगी होएगी तो उस क्योंकि वो कंटेंट भी अच्छा था और एक वो जो फियर था ना मेरा वो मतलब मेरी आग, मैंने अराउंड 50 दी थी मैंने थाउजेंड तो नहीं दी तो लेकिन वो मेरा फियर क्योंकि वो फियर होता था ना उसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत एक वो कहते हैं ना फेसिंग योर फियर्स डर के आगे जीत है वो वाली चीज़ मुझे तब समझ आई कि अच्छा नहीं व्हेन यू डू समथिंग दैट अफ्रेड ऑफ समी आपकी ग्रोथ ग्रोथ होती है लोग कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है आप तो इतना अच्छा बोलती हैं मैं उसे पहले देखा करो मुझे स्टेज पर जाने से पहले जो अच्छा मैम अगर आप ट्रेनिंग की फील्ड में ना जाती तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन थी या कुछ आपने माइंड में कोई ऐसा ख्वाब देखा हो जिसको आप अचीव करना चाहती हूँ वो क्या था मेरा उस वक्त फिल्मिंग में मैं होती थी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना लेती थी।, थी तो मेरा था कि मैं कोई मूवी करूँ बड़ी या कुछ इस तरह करके लेकिन वो घर वालों को ज़रा आपको पता है कि मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी सबको डर होता है तो उनको ज़रा था रेजिस्टेंस कि क्या आप मीडिया इंडस्ट्री में जाओगी कैसा माहौल होगा क्या हो तो वो मैं अपने पर्सनल लेवल तक ही करती थी तो बल्कि जो लास्ट मूवी बनाई थी वो टी सीरीज़ में भी प्ले हुई फिर तो वो वो मेरा कलेक्टिव प्रोजेक्ट था तो अगर मैं ये ना करती तो शायद कुछ रिलेटिंग टू समथिंग रिलेटिंग टू फिल्म या कोई प्रोडक्शन कुछ थोड़ा बहुत शायद वो कर लेती अच्छा मैम मेमोरी के टॉपिक पे आपने काफी ट्रेनिंग्स करवाई हैं और आपका जो बेसिक टॉपिक है वो है हाउ टू मेमोराइज इन लेस टाइम तो मुझे बताएं इसमें दो तीन ऐसी चीजें कि किस तरह आप लोगों को सिखाती हैं अच्छा। कि वो किस तरह जल्दी से चीजें याद कर लें अच्छा मैं उनको टेक्निक से खाती हूँ जो जब वो यूज़ करते हैं ना तो फिर वो याद करते हैं हमेशा मैं सबको एक ही तनकीद करती हूँ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो बता रही हूँ आप प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिस करेंगे तो होगा इट्स जस्ट लाइक पुशअप्स या कोई भी एक्सरसाइज आपका माइंड एक वो है मसल उसको जितना यूज़ करेंगी उतना ही वो और एक्टिवेट होगा और इसी वजह से हमारी मेमोरी थोड़ी वीक भी हो जाती है ग्रेजुएट होने के चार साल बाद जब आप जॉब कर रहे हैं कुछ याद तो कर नहीं रहे आप एक ही चीज़ की जा रहे हैं फ्लो में लेकिन याद तो नहीं हम कुछ कर रहे ना फिर पाँच साल बाद आप कहते हैं यार मुझे चीज़ें बड़ी भूल जाती हैं तो वो ओल्ड एज नहीं होती वो लैक ऑफ़ यूज़ ऑफ़ द मसल होता है ना जिस तरह मैं कभी जिम ना जाऊँ छः साल और फिर कहूँ यार मेरे से पुशअप नहीं लग रही पहले तो मैं तीस लगा लेती थी अब एक भी नहीं हो रही तो वो थोड़ा सा तर... लेकिन वो ये अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी वापस आ जाएगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कभी हो सकता अनलेस कोई बीमारी हो जाए तो एक टेक्निक ये है कि आप अपने ब्रेन की जो लैंग्वेज है ना उसको आइडेंटिफाई करें ठीक है तो अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ तो आपने मुझे बताना है वो वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है ठीक है पिंक एलिफेंट एलिफेंट आया फॉर माइंड में जो है अच्छा कैसा एलिफेंट था थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करें ग्रे कलर में ही आया है।, है तो माइंड में ठीक हाँ, है नहीं। बड़ा सा ग्रे कलर में। पिंक आपने लेकिन एलिफेंट लिखा हुआ तो हाँ, नहीं आया ना क्योंकि एन टी आया आपकी इमेज आई है बोला तो लिखा हुआ भी आ गया दिखा दिया बोल आपने लेकिन सबसे पहली चीज आपकी इमेज आई ये आपकी ब्रेन की कह लें प्राइमरी लैंग्वेज है जैसा मेरी अगर उर्दू है या पंजाबी है किसी की इंग्लिश हमारी सेकेंड है अगर मैं कोई और सीख लूँ थर्ड हो जाएगी अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं अभी सीख ही रहे हैं मैं आपको एक लेक्चर पूरा फ्रेंच में दे दूँ तो आपको कितनी समझ आएगी उसकी कुछ भी नहीं कितने परसेंट आएगी कुछ टेन परसेंट टेन परसेंट आ जाएंगे वही लेक्चर मैं आपको पचास दफा दे दूँ सेम टू सेम तो फिर कितनी आएगी समझ आपको फिर शायद वो थर्टी फोर्टी तक चली जाए पचास दफा के बाद कितना उर्दू में दे तो समझ समझ आपकी जो है वो इमेज अगर आपने कोई चीज जल्दी याद करनी है आपको ब्रेन को हजार दफा बतानी ना पड़े आप उसकी इमेज बना ले और उस इमेज कोशिश करें बड़ा क्लियरली अपने माइंड में देखें मतलब है इमेजिनेशन ही लेकिन उसकी अंदर डिटेल्स देखें और उसको देखें गौर से तो वो ब्रेन जल्दी उसको याद रखेगा अगली आपको रिकॉल भी कर, और रिकॉल भी जब करेंगे तो वो इमेज फ़ौर आपके दिमाग में ले आएगा और दूसरी चीज़ एक मैं जो टेक्निक में आपको बताना चाहूँगी अगर आप कोई चीज़ लंबी देर के लिए याद रखना चाहते हैं कि भाई जल्दी तो होगी लेकिन बहुत देर तक याद रहे तो उसके अंदर आप फीलिंग्स ऐड कर लें क्या है स्थेटिक सेंस है ना आपकी पान सेंसेस होती हैं फीलिंग वाली सेंस होती है वो ऐड कर लें जो भी आपने इमेज बनाई ना जैसे अगर आपने एलिफेंट ही बनाया है तो आप एलिफेंट को हाथ लगा के देखें वो किस तरह का उसका टेक्सचर है उसके उसको फील करें वो क्या खा रहा है उसको तोड़ के दें अगर इमोशंस डालने, तो डालने तो वो डाल लें तो जो फीलिंग डालेंगे ना वो देर तक याद रहेगी चीज़ सही सही ये नहीं बेसिक टेक्निक बेसिक फाउंडेशन है अच्छा मैम रिसर्च में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ माशाल्लाह आपने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे और फिर इस्लामिकली भी आपने रिसर्च किया और ये बुक भी है कुरान केस ऑफ फॉर रिसर्चन तो इसके पीछे क्या विज़न था और रिसर्च उसमें क्यों इतना इंटरेस्ट था तो रिसर्च बेसिकली पहले तो करनी पड़ गई इंटरेस्ट नहीं था इतना जब यूनिवर्सिटी में थे लम्स में तो माइनर मेरा साइकोलॉजी में था और उसमें काफ़ी रिसर्च वो पढ़ाते हैं और इवन इकोनॉमिक्स में भी वो आपको काफ़ी रिसर्च रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं उसके बाद जब मैंने एजुकेशन करने गई बाहर बेल्जियम तो उनका वो भी एजुकेशनल रिसर्च पे था तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा फोकस था रिसर्च पर मुझे नहीं पता था कि यूरोप रिसर्च पर इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है कि मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मतलब रिसर्च की वो तो बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं जितना हम अभी मतलब मुश्किल नहीं है कि हम जा सकते हैं तो वहाँ पे मुझे बड़ा हुआ कि यार ये तो अच्छा काम है और वहाँ पे जो मेरा थीसस था वो था मीनिंग इन लाइफ पे सही। तो उसको लिखने के लिए मुझे अराउंड 1900 हंड्रेड पेपर्स पढ़ने पड़े तो 2000 के आसपास कह लें और वो सब मीनिंग इन लाइफ से रिलेटेड थे तो सब जो थे ना वो इतनी डिटेल में उन्होंने रिसर्च की हुई है और उनकी फाइंडिंग क्या होती थी कि जी अच्छा हमारी लाइफ की कोई वैल्यू है कोई छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें जो हमें बचपन से ही हमें पता है थैंक्स टू इस्लाम या थैंक्स टू आर रिलीजन तो वो इतनी रिसर्चें कर कर के मैंने जब इतने कहा दो हज़ार पेपर पढ़ के ये इनका मजमुआ निकल रहा है मतलब इतना बस ये ही है जो हमें मतलब ये चीज़ तो बचपन से ही पता है और ये आप इसको कन्फर्म कर रहे हैं तो तो इस बुक को मैंने बेसिकली क्योंकि वो एक इतनी वो एक ट्रेनिंग से भी मैं गुजर चुकी थी तीन महीने मेरे पास थे अभी बेल्जियम में तो उनसे माशाल्लाह सीखा बहुत था वहाँ पे तो मुझे था वो जिसना अजर कासिम कहते हैं कि भाई वापस दो जिससे लिया उसको डू समथिंग फॉर देम तो मुझे था कि मैं क्या बेल्जियम को वापस क्या ही दे सकती हूँ ना मतलब होम डोनेट कर दूँ जाके या कुछ तो रिसर्च का कोई पेपर लिख दूँ जो इनके फ़ायदे का वो इन्होंने तो हर चीज़ में ही लिखा हुआ है तो अभी मैं इस थॉट प्रोसेस में ही थी तो अबू या को जानते हैं आप एक राइटर हैं जिन्होंने आफ्टर लाइफ की फ़िक्शनल बुक्स बहुत अच्छी लिखी हुई है मुझे बहुत पसंद है लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं उनकी तो उनकी टॉक थी यूट्यूब पे हमज़ा वासी के साथ तो उनका टॉपिक यही था रेजरेक्शन ए रेक्शन वर्सेज रियनकर्नेशन और इसके तो उन्होंने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स दी और सारी लॉजिकल बेस्ड तो मैंने कहा ये तो बड़े मज़े की इन्होंने बात की है और आखरत जो है एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे बेल्जियम के जो लोग हैं ना उनका उस पर बिल्कुल कठर यकीन है ही नहीं तो उस पर भी मैं वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी मैंने डिफरेंट लोगों से जा सवाल किए थे तो जवाब पता चल गया था कि वो कोई नहीं है तो मैंने कहा अच्छा जो जिस जो जुबान वो बोलते हैं ना जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है ना वो है रिसर्च रिसर्च कह रही है तो मानेंगे नहीं कह रही तो हम नहीं मानेंगे और जो चीज़ वहाँ पे मुझे लैक फील हुई कि आखिरत की यकीन ही नहीं अगर आखिरत का यकीन नहीं है तो फिर जैसे हमने डिस्कस किया था इस दुनिया का क्या फ़ायदा है इस लाइफ का तो मैंने कहा चलो क्यों ना आखिरत को उनकी ज़ुबान में ही ज़रा एक्सप्लेन करके एक पे तो उस वो माइंडसेट में बैठ के फिर जो मेरा वहाँ पे टाइम था मैंने ये पेपर पेपर लिखा और फिर एवेंचली फिर उसको बुक फॉर्म में बनाया मैम आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और फिर उसको आपने अपनी लाइफ में यूज भी किया ये अब सवाल ज़रा मुश्किल है क्योंकि इंस्परेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अगर मैं मतलब जब मैं इंस्परेशन वर्ड सुनूँ ना और अभी अभी इस दुनिया के मैं देखूँ मतलब प्रॉफ़िट मोहम्मद अलैहि वसल्लम तो अल्टीमेट हैं सबके लेकिन अगर अभी मैं देखूँ लाइव में तो मेरे थे हैं बल्कि अभी भी झाकिर नायक और वो भी पब्लिक स्पीकिंग जो है नहीं करते थे वो कहते मैं स्टटर करता हूँ मेरे से नहीं बोला जाता था तो उनका भी स्टार्ट धक्का स्टार्ट ही था उनको धक्का मिला तो एक तो ये चीज़ कि वही वो, वो इतनी बड़ी चीज़ कर सकते हैं वाइल हैविंग दैट फियर और ऊपर से किया क्या उन्होंने अपने अल्लाह के लिए काम किया तो अल्लाह में उनको मतलब मैं तो कहती हूँ कामयाबी दें लेकिन मतलब उन्होंने काम ये किया कि अल्लाह के अल्लाह के रास्ते पर लोगों को ले आए जो मतलब ज़्यादा तो उनकी ऑडियंस मतलब हिंदू ही थी ना जब वो इंडिया में थे बस मुझे वो चीज़ उनकी बड़ी इम्प्रेस की कि भाई एक इंसान ने इतने लोगों को आ, एक ट्रूथ की तरफ़ ले आया मुसलमान हाँ तो वो मुझे बहुत इंस्पायर वो चीज़ की तो काइंड kind ऑफ of, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग भी जब मैं करती थी मेरे दिमाग में वो भी होता था कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं मेमोराइजेशन में तो थोड़ी हेल्प कर ही सकती हूँ अगले की तो इस तरह था अच्छा मैम यूथ को आप क्या एडवाइस देंगी क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में ट्रेनिंग में कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त देखा हो जिसमें आपको लगा हो कि आप स्टक हो गई हैं या चीज़ें आगे नहीं चल रही उस वक्त में आपने क्या किया और उसी के जो है ना कह लें एस्पेक्ट में आप यूथ को क्या एडवाइस देंगी मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि वैसे अगर कोई कोई भी मसला हो तो आप बस जान माज बिछाएँ और अल्लाह में से हेल्प मांगे और फिर अपनी मेहनत करें लेकिन अगर ट्रेनिंग के लिहाज से देखें क्योंकि मेरे पब्लिक स्पीकिंग वॉज माई बिगेस्ट फील लेकिन मुझे था नहीं करना है तो लेकिन उसमें भी अगर कहीं फंस जाए और बहुत ज्यादा ऑडियंस अगर आ गए तो फिर क्या करें यू नो तो फिर उसमें आपका ना कोई एक ऐसा कह लें मैंटोर कह लें या कोई फ्रेंड कह लें जो उस फील्ड में हो या जो आपको तसलियाँ दे सके कोई कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है चाहे वो झूठी हो वो आपको तसलियाँ दे देगा कि यार हो जाएगा तुमने कल भी तो दी थी इतनी अच्छी इसमें कौन सा मुश्किल है उसको जाके आप लेकिन आपने खुद भी थोड़ी एफर्ट करनी है कि भाई अब मैं अगर अच्छा अगर वो ट्रेनिंग है उसमें मैं कैसे दूंगी मुझे टेंशन है तो मुझे उस फ्रेंड को या उस घर वाले को आपका भाई हो सकता है घर घर में कोई भी हो सकता है उसको बिठाओ यार मेरी जरा सुन लो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप एफर्ट आपने करनी है फिर वो अगला फ्रेंड भी आपको तब भी हेल्प कर सकेगा ना तो किसी से अगर आप हेल्प ले सकते हैं एडवाइस ले सकते हैं तो जरूर जाके मैं इसमें कोई वो नहीं होता कि वो हो पता नहीं मैं बड़ा बेचारा लगूंगा क्या अगर वो ना कर दे लोगों को दिल करता है कि वो हेल्प करें तो अगर आप किसी को मौका दे रहे हो कि वो यूज़फुल हो तो वो इनशाला वो ले लेंगे और वो नहीं लेते तो आपने अल्लाह में से हेल्प मांग लिया ना तो आपको कहीं ना कहीं से इनशाला मिल ही जाएगी तो ये मेरी एडवाइस है मैम फ्यूचर में आपका क्या गोल है और कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी अचीव करना चाहती हूँ ये आपने ये भी एक मुश्किल आ, सवाल कर लिया है आजकल तो मैं अपने आप को ना एक इंसान अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम फ्राम स्परिचुल लेवल uh, तो जैसे कि जो बेसिक बेसिक इस्लाम की चीज़ें जो हम नहीं करते फॉर एग्जांपल अच्छी तरह जो मैं नहीं करती जिस फजर टाइम पे पढ़ लेना वो कोशिश है मेरी कि उसमें मैं अपने आप को ठीक करूं और अगर वर्ल्डली एस्पेक्ट से देखा जाए तो मेरा यही है कि मैं रिसर्च को कंटिन्यू करूँ और मैं ट्रेनिंग्स मतलब जहाँ पर ज़रूरत हो तो वहाँ पर ज़रूर जाके दूँ क्योंकि मुझे पता है कि अलहमदिल्ला उससे लोगों को फ़र्क बड़ा पड़ता है तो लेकिन रिसर्च को कंटिन्यू में रखना चाह रही हूँ ये ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मली जब तक पढ़ू तब तक ना करूँ जिस तरह ये बुक जो है ये बिल्कुल फ्री टाइम में मैंने लिखी थी तो ये बनी है तो और लोगों को जिन जिन्होंने पढ़ी है उनको बहुत अच्छी भी लगी है जिन्होंने पढ़ ली एक्चुअली <laughs> तो मैम थोड़ा सा मैं कि इस बुक के बारे में बताएं कि किन टॉपिक्स को और किस चीज़ पे आपने ज़्यादा किया है इसमें बेसिकली मेन तो है रेजरेक्शन मर के फिर जिंदा होना तो यूजली अब कोई जो रिलीजन इस चीज़ को प्रीच करते हैं या वो इस वह बिलीव करते हैं उनसे पूछें कि भाई कैसे हो सकता है कि एक बंदा फ़ौत हो के ज़िंदा हो जाए तो वो ज़्यादातर जिस चीज़ की आर्ग्यूमेंट नहीं आती कहते हैं यार बस ईमान रखो तो हम भी ज़्यादातर ईमान ही कहते हैं भाई यकीन होना चाहिए बस यकीन होना चाहिए कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं हमारे पास होती है हालाँकि अल्लाह मैंने दी नहीं है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दी हुई है कुरान में कि अच्छा अगर नहीं यकीन होता तो इसके बारे में सोचो नहीं यकीन आ रहा ये सोचो ये कैसे होगा तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स अल्लाह मैंने दी बिल्कुल तो उसको बेसिकली ना तीन लेंस के नज़रिए से ना कुछ साइंस को कैटेगराइज करके डाला जिसना पहला था डायरेक्ट एविडेंसेस तो उसमें था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हम डायरेक्टली देख सकते हैं मतलब फाइव पांच सेंसेस से जो डायरेक्टली आखरत के साथ कोरिलेट करती हैं तो उसके अंदर चार साइंस थे फिर इनडायरेक्ट एविडेंसेस कौन से थे वो वो होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है मतलब पीसेस पज़ल के पीस हैं उनको ज़रा आपको खुद जोड़ना पड़ता है फिर आपको पता चलता है अच्छा भाई ये लाइफ जो है इट इज़ नॉट विदाउट पर्पज़ और ये अभी नहीं ख़त्म हो जानी ये दोबारा शुरू होनी है और लास्टली जो था वो था ह्यूमन रैशनैलिटी या ह्यूमन इंट्यूशन के वो आर्ग्यूमेंट्स जिसमें आपको लॉजिक नहीं चाहिए मैं वैसे ही आपको बताऊंगी तो आप मान जाएंगे लाइक फॉर एग्जांपल के अगर आपके पास इतनी सहूलतें अगर आपकी कंपनी ने आपको दी हैं जिस तरह सर कासिम ने अगर आपको घर भी ले दिया है गाड़ी भी ले दी है ठीक है और उन्होंने कहा है जी आप फ्री में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत तो बस काम पे नौ से बारह आ जाए इतने और आप वो भी ना आए ठीक है, है वो भी कभी ना आए और तीन महीने बाद आप कहें कि भाई मुझे तनख्वाह डबल करो मेरी तो अब मुझे बताएं कोई लॉजिकल इंसान आप सर कासिम को एडवाइस करेगा कि इनको रखो या वो क्या कहेगा कि इनको छुट्टी दो आप बताएँ छुट्टी हाँ और वो क्यों अब किसी से भी पूछा हर कोई कहा हाँ क्यों क्योंकि हमें इंटिवली हमें पता है कि वो जो बंदा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा उसको नहीं करना चाहिए तो एज ह्यूम हम हमारे पास अगर इतनी अल्लाह में रिस्पॉन्सिबिल हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं इतनी ये ये हम हम वी डेंट वर्क फॉर दिस बॉडी जो हमें बॉडी मिली हुई है हमने कोई इसके लिए मेहनत की है हमने कोई सूरज जो रोज़ टाइम पे आता है टाइम पे निकलता है इतना तो लार्म भी हमारा एक्यूरेट नहीं होता जितना सूरज है तो हम उसका कोई बिल भरते हैं सूरज का हाँ हम एक हार्ट सर्जरी करा लें तो तीन घंटे के लिए आपका हार्ट मशीन पम करती है ना हार्ट का काम करती है उसका बिल अगर आप देख लें जो आपको देता है हॉस्पिटल तो अल्लाह मैंने कभी बिल मांगे हमसे तो इतनी जब सहूलतें मिली हों आपको और आपको जी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बस इन्जॉय करके वापस चले जाओ तो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इस बात को समझेगा नहीं कि नहीं ये ठीक मतलब बिल्कुल वो नहीं है हाँ। मैम कोई आखिरी पैगाम कोई आखिरी एडवाइस अपने ऑडियंस के लिए आखिरी एडवाइस इस इंटरव्यू आखिरी आखिरी एडवाइस <laughs> एडवाइस मेरी यही है कि अगर मैं अगर यूथ को दूँ मैं तो अपने आप को यूथ ही वैसे समझूंगी अगर मैं अपने एज या अपने से छोटे मेरे टीन एजर्स मेरे बहन भाई भी हैं उनको भी मैं अगर मैं एडवाइस दूँ तो यही है कि आप ना अपना अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग करो नो के आप कौन हो एंड आप क्यों हो इधर वंस यू नो द देन फिर आप जो मर्जी करो यू विल नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग बट अगर आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने आपका अल्लाह क्या कह रहा है आपको आपके प्रॉफिट ने क्या पैगाम आपको दिया है इफ़ यू डोंट नो दिस फिर जो भी ट्रेंड चल रहा है ना आप उसके पीछे चल पड़ोगे क्योंकि एज ह्यूम हमने हर किसी किसी चीज के पीछे लगना ही है तो अपनी रूट को इतना पक्का कर लेंगे फिर जो भी हवा शवाए आप, आप सीधे रास्ते पर रहो ये बहुत जरूरी है और ये हमारी थोड़ी लैकिंग है इधर अनफॉर्चुनेटली तो अगर इसको अगर हम अपना पक्का कर लेना क्योंकि आजकल ज़रा दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है हर किस्म की इनफॉमे अवेलेबल है तो ईजिली किसी साइड पर चल पड़ना बहुत ईजी हो गया इफ़ यू डोंट नो डों वाई आर यू डूइंग समथिंग तो ये मेरी एडवाइस है अच्छा मैम ये आपकी बुक अवेलेबल इस वक्त कहाँ कहाँ पर है हाँ ये अभी इस वक्त रीडिंग्स पे है अगर, अच्छा। अगर आप वहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं वो आपको डिलीवर कर देंगे आप जाके भी ले सकते हैं और अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो एमेज़ोन पे इसका ई बुक वर्जन अवेलेबल है अमेजोन पे भी है जी अभी हार्ड कॉपी वहाँ पे नहीं आई लेकिन ई बुक अवेलेबल है वहाँ पे हाँ जी थैंक यू सो मच मायरा फ़रूक मानिका साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का ना मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास तौर पर जो इनकी बुक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इनकी बातें सुने इनकी गुफ्तू सुने और जो जो टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ अल्लाह हाफिज़